हिंदुस्तान के हर एक घर में झंडा तोलन कराने का राष्ट्रीय युवा शक्ति के सपने सच होते दिख रहे हैं। राष्ट्रीय शक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पुलिस प्रशासन और पूरे हिंदुस्तान वासी इस मुहिम में लग गए हैं। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने जो आईना दिखाया था वह सफल होते दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शहीद चौक से उर्दू लाइब्रेरी तक राष्ट्रीय ध्वज से दुल्हन की तरह हम लोग सजाएंगे। सुने और क्या कुछ करो उन्होंने। देखिए, सबसे पहले आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को राष्ट्रीय युवा शक्ति परिवार की ओर से एडवांस में 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जिस सपना को राष्ट्रीय युवा शक्ति ने आज से आठ वर्ष पूर्व में जो सपना देखी थी कि हिंदुस्तान के हर एक घर पे राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन कराना है, जिस उद्देश्य के साथ, जिस विषय के साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति का जन्म हुआ था कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के नौजवानों को ने यह संकल्प लिया था कि हिंदुस्तान के हर एक घर पे राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन कराएगी, आज वो सपना हम लोग का पूरा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरे हिंदुस्तान के हर कोई, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, पुलिस प्रशासन के लोग हो, सभी लोग इस मुहिम में लग गए हैं। मैं अपनी ओर से सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय युवा शक्ति ने जो पूरे देश के लोगों को जो सपना दिखाया था, जो आईना दिखाया था, आज वो आईना लोग जो देखे और आज वो सफल होता जा रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। जब 2013 में राष्ट्रीय युवा शक्ति ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी, किन्हीं ने कल्पना नहीं किया था, हम लोगों ने भी कल्पना नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने एक संकल्प लिए थे। रांची के पहाड़ी मंदिर में बाबा के चरण के नीचे हम लोगों ने एक संकल्प लिए थे कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जब तक हिंदुस्तान के हर एक घर पर राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन नहीं करा लेते हैं, तब तक हम लोग शांत से नहीं बैठेंगे। और तब से लेके हम लोग लगातार हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे एक से एक कार्यक्रम करके राजधानी वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को हम लोग जागरूक करने का काम किए और लोगों से अपील करते थे कि आज हमें अपना फेस्टिवल याद है, हमें याद है कि आने वाले समय में दिवाली है, हमें याद है कि दुर्गा पूजा है, मुस्लिम भाई को याद है कि ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, सिख समाज के लोगों को याद है, ईसाई समाज के लोगों को याद है, लेकिन आज हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस एक सरकारी आयोजन बन के रह गया है, इसलिए राष्ट्रीय युवा शक्ति ने यह नारा दिया था कि तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक हिंदुस्तान के हर एक घर पर राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन नहीं करा लेंगे। इसलिए तब से हम लोग लगातार लगे हुए हैं, कभी 1.5 किलोमीटर राष्ट्रीय ध्वज, कभी 400 मीटर तिरंगा में LED लाइट। पूरे हिंदुस्तान में पहला इस तरह कार्यक्रम हुआ होगा जो तिरंगे में LED लाइट लगा होगा, 400 मीटर तिरंगा में LED लाइट लगाएं, कभी 100 फीट के लंबे बांस को मिल रहा है जो सपना हकीकत होता हुआ दिख रहा है। आज 12 अगस्त है, आज से ठीक 2 दिन बाद 15 अगस्त को हिंदुस्तान के हर एक घर पर राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन होगा। यह राष्ट्रीय युवा शक्ति जो मेहनत की है, उस मेहनत का परिश्रम है, मेहनत का देन है कि आज यह जो देश के प्रधानमंत्री ने इस चीज़ का आह्वान किया है, लोग लगे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 2016 को जब हम लोगों ने 1100 राष्ट्रीय ध्वज, 1100 नौजवान के साथ भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाले थे, वो एक नारा दिया था, लेकिन उस कार्यक्रम में करीब 5000 से ऊपर लोग जुटे थे। और उसी कार्यक्रम में के ठीक 2 दिन बाद 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए दुमका में आए थे। मुद्रा लोन का शुरुआत झारखंड से ही हुई थी और उन्होंने उस कार्यक्रम को अखबार के माध्यम से पढ़ा था और उस कार्यक्रम का चर्चा कुछ दिनों के बाद किन्हीं राज्य में जाके वो चर्चा किए कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में 1100 नौजवानों ने तिरंगा लेकर भव्य प्रयास किया था, यह पूरे हिंदुस्तान में प्रयास होना चाहिए था, यह उनका जो उन्होंने कहा था। और आज हम लोगों ने जो कहा उन्होंने स्वीकार किया और आज उन्होंने आह्वान किया है। मैं बधाई देता हूं पूरे झारखंड वासियों की ओर से, राष्ट्रीय शक्ति परिवार की ओर से, कि आज घर में तिरंगा लगने जा रहा है। अब मैं चर्चा करता हूं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान मना रहा है, तो इस बार कार्यक्रम कुछ थोड़ा अलग ही देखने को मिलेगा। शहीद चौक से लेकर उर्दू लाइब्रेरी तक राष्ट्रीय ध्वज से दुल्हन की तरह हम लोग सजाएंगे। परमवीर अलवाटिका चौक को राष्ट्रीय ध्वज से, शहीद के बड़े बड़े कटआउट से, और साथ में 14 तारीख को शाम से ही पूरे अलवाटिका को विद्युत सज्जा से
पार्क लाइट से, कलरफुल लाइट से हम लोग अलवा टेका को चौक को सजाएंगे। और 14 तारीख को ही सुबह में राजधानी में जितनी भी शहीद की प्रतिमा है, सभी प्रतिमा को पिछले 8 वर्षों से हम लोग साफ़ सफाई करते हैं हर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। तो 14 तारीख को हम लोग सभी जगह साफ़ सफाई करेंगे। और 14 तारीख का सुबह में पहला काम कि 7:30 बजे रांची के में जितना मैदान है, रांची में जितनी भी मैदान है, उस मैदान पर वहाँ का स्थानीय लोगों को हम लोग आमंत्रित करके, संगठन के लोग वहाँ पर जाएंगे और लोगों के साथ मिलकर हम लोग राष्ट्रीय गान करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आज हमारा नौजवान जो 12 साल से 14 से 20 साल 22 साल का नौजवान जो तेज़ी से सूखे नशी की ओर जा रहा है, उस नौजवानों को के दिल दिमाग में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। अगर उसे कुछ करना है, अगर नशा करना है तो देशभक्ति की नशा करना है, नशा करना है तो देश के सरहद में देश के नौजवान बनकर देश का सरहद का रक्षा करना है कि जो दुश्मनों को हम मुंह तोड़ जवाब दे सके, या नहीं कि अपने जीवन को, अपने माता पिता के सपने को हम लोग चरस अफीम टैबलेट सिरप में बर्बाद करें। यह हम लोग राष्ट्रीय गान के माध्यम से हर गली गली मोहल्ला मोहल्ला हम लोग जाके अपील कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए आपसे भी अपील करेंगे इस मुहिम में आप लोग भी साथ दें। ये 14 तारीख का कार्यक्रम हुआ, 14 का सुबह में राष्ट्रीय गान, उसके बाद सभी शहीद स्थल का साफ सफाई, और 14 तारीख का दोपहर से ही रांची के हर एक जगह पर हम लोग पूरा दुल्हन की तरह सजाने का काम करेंगे। और 15 तारीख को सुबह में 10:30 बजे अलवा टेका चौक पर शहीद की पत्नी के हाथों से राष्ट्रीय झंडोत्तोलन, जो पिछले 2 वर्षों से हम लोग कराते आ रहे हैं, क्योंकि कभी अलवा टेका चौक पर झंडोत्तोलन नहीं होती थी, पिछले 2 वर्षों से राष्ट्रीय शक्ति ने एक नई परंपराओं की शुरुआत की कि वहाँ शहीद की पत्नी और उनके बच्चों को हाथों से हम लोग राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन करना एक नई शुरुआत की है। इस बार भी झंडोत्तोलन करने के लिए शहीद जयप्रकाश उरांव की पत्नी और उनकी दोनों बच्चियाँ एमा संगीता उरांव, स्मृति और एक और बच्ची का नाम भुला रहे हैं, वो लोग आएंगे वहाँ पर। उनके साथ में उरी में शहीद हुए थे ज्वारा मुंडा, उनकी पत्नी झींगी डुंगडुंग और उनकी बच्ची संध्या सुषमा आएगी। उसके उरी में ही शहीद हुए थे नयाम कुजूर, उनकी पत्नी आएगी। और अभी 4 महीना पूर्व नक्सली हमला में छत्तीसगढ़ विजयापुर के जवान शहीद हुए थे रांची अरगोड़ा के लाल शांति भूषण तिर्की, उनकी पत्नी पुष्पा तिर्की और उनके पिताजी शांति भूषण तिर्की के पुता जो BSF से रिटायर किए हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनके हाथों से परमवीर अलवा टेका चौक पर हम लोग राष्ट्रीय ध्वज झंडोत्तोलन कराएंगे। और उसके बाद वहां पर हम लोग एक साथ सभी लोग राष्ट्रीय गान करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे का रंगारंग कार्यक्रम कराएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएंगे, डांस कंपटीशन कराएंगे। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग देशभक्ति थीम में वहां पर कराएंगे। और रांची से विभिन्न गली मोहल्लों से करीब 300-400 मीटर का तिरंगा, 300-400 मीटर का तिरंगा भ्रमण करते हुए अलवा टेका चौक में और भी सही शहर के कई जगह से शोभा यात्रा निकल रही है, जो सारा शोभा यात्रा रांची के ऐतिहासिक परमवीर अलवा टेका चौक पर पहुंचेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।